गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ थोड़ी सी कुछ चीजें समझानी है लाइफ में जो मैंने सीखी है और जो मैंने समझी है। पहले तो हमारे सबके बापू महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एम कैरियर इंस्टीट्यूट भोपाल उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने मेरे को यहाँ आने का अवसर दिया। मेरे छोटे भाई, मेरे हृदय प्रिय छोटे भाई भूपेन भाई, हमारा सालों का रिश्ता है। बहुत बार उन्होंने आग्रह किया भैया आना, मैंने कहा आऊँगा, जरूर आऊँगा, और आज आने का मौका मिला। और हमारे माननीय पार्षद साहब, सम्माननीय स्टाफ पूरा तिवारी जी, और आप सब लोग, एक घर परिवार हमारा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये माइक प्रदान करा इस इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों से कुछ दूसरे विषय में बात करूंगा। हम सभी यंग हैं, ये हमारे कैरियर की शुरुआत है कि हमें क्या करना है। यंग मतलब गरम खून। ये लाइफ जो होती है 10, 12 फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर, ये वो लाइफ होती है कि हम दिशा भटक भी जाते हैं और मंजिल बना भी लेते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो हम एम में, जिस एम के लिए निकले हैं, उससे भटके ना, नहीं तो आपकी समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, माँ बाप का सपना, बहुत सारे विषय हैं कि किन चीजों पे भटकना। ये फिल्मी दुनिया है, आज का युग फिल्मी है, लोग पढ़ाई को कम, टीवी को ज्यादा समय देते हैं, मोबाइल को ज्यादा समय देते हैं। अगर एम अपना हासिल करना है तो पढ़ाई को ज्यादा समय देना है। और महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं, कहीं पढ़ा था मैंने। आप लोग साइंस की फील्ड में, आप लोग सब साइंस की फील्ड में है, इसलिए मैं ये बात रखने जाऊंगा। बहुत महात्मा एक वैज्ञानिक थे महान, अल्बर्ट आइंस्टीन, आप सब लोग जानते होंगे उनको। उनके कैरियर में वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, जब तक महात्मा गांधी उनके संपर्क में नहीं आए और जब तक उन्होंने उनके बारे में सुना नहीं, पढ़ा नहीं, जब तक उनके दो आदर्श थे, जेम्स मैक्सवेल और न्यूटन साहब, सब जानते हैं न्यूटन साहब को। उनकी घर की जो दीवार थी रूम में, ये दो तस्वीरें होती थी, सिर्फ दो तस्वीरें, ये दोनों वैज्ञानिक की। जब उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, सुना, उनकी विचारधारा जानी, क्योंकि महात्मा गांधी का युग इतना घोर कलयुग था कि चारों तरफ त्रासदी में खून खराबा, आजादी सिर्फ इसी जंग के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था भारत में। और वो एक महात्मा गांधी ऐसे थे जो जंग में बिलीव नहीं करते थे, हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, अहिंसा थे, अहिंसक थे। उनको आइंस्टाइन साहब ने इतना समझा, वो इतने प्रेरित हुए। उनका कहना था कि हर चीज जंग से नहीं जीती जाती। आप मौन भी बैठे हो ना, और आपका व्यक्तित्व सही है और आपकी परिभाषा सही है, तो आपके पीछे हजारों की भीड़ लग जाएगी। जब उन्होंने उनको समझा तो उन्होंने उन दोनों साइंटिस्टों की तस्वीर निकाल दी रूम में से। पहली तस्वीर थी वाइजर साहब की और दूसरी तस्वीर थी, वाइजर साहब एक बहुत बड़े महात्मा गांधी के उसूल पे चलते थे, जो साउथ में, विदेश में, साउथ में उनका यही अहिंसा के मार्ग पे चलने का काम था। और दूसरी तस्वीर थी महात्मा गांधी की। जब इतना बड़ा साइंटिस्ट जो अपने आदर्शों को हटा के महात्मा गांधी को उस जगह पे ला सकते हैं, तो आप लोग भी महात्मा गांधी के उसूलों पे चलें, भटके ना, क्योंकि अगर भटक गए। और दूसरी चीज ये होती है कि डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर होते हैं और जगह जगह बैठे हुए हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों से प्रेरित होते हैं और उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनका व्यक्तित्व सही होता है, जिनकी परिभाषा बोलने की सही होती है, जिनका नेचर सही होता है। बन कोई भी जाता है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के पास मरीज वो ही जाता है जो डॉक्टर से लिंकअप होता है जिसका। तो हमें अपने आप को ऐसे डालना है कि हम जब जाएं तो हमें कोई उल्टा नहीं बोले, अपशब्द नहीं बोले। जब हम इस दुनिया से जाएं तो वही बोले कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर वो था जिससे हम संपर्क में थे। तो अपने व्यक्तित्व को ऐसे डालें।
वी आर ऑल इन द सेम गेम बट डिफरेंट लेवल. हम सब एक ही गेम में हैं, सब अलग अलग लेवल पे हैं, लेकिन कोई आगे है, कोई पीछे, कोई आपके जो आप पढ़ रहे हैं उससे हटके पढ़ रहा है, मगर सब दे ऑल आर डीलिंग विद द सेम हेल. दे ऑल आर, वी ऑल आर डीलिंग एट द सेम हेल बट डिफरेंट लेवल्स. आप समझे, हमें जाना है लेकिन हम डीलिंग किस किस से कर रहे हैं. जो आते हैं ना लेने, कोई फरिश्तों से डीलिंग कर रहा है, कोई यमराज से डीलिंग कर रहा है, सबको जाना है, सब एक ही जगह है, लेकिन क्या दे के जा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. बस मेरा कहना यही है. धन्यवाद, एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद, मुझे आने का मौका दिया. धन्यवाद.